हेलो वी वन वेलकम टू वी वन यू आई एस आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी वी वन यू आई एस सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यू डिस्कस करने वाले हैं ऑन पॉलिटी ये वाला जो लेक्चर है वीडियो लेक्चर है आपके सामने दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ एन ऑलरेडी स्टार्टेड लेक्चर सीरीज हमने ऑलरेडी इसी एम सी क्यू वाली लेक्चर सीरीज के दो लेक्चर्स ऑलरेडी कंटन हो चुके हैं अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो माई सिंसियर एडवाइस टू यू इज़ कि फर्स्ट वॉच दोज वीडियोज़ वॉच दोज लेक्चर्स एंड देन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर इट विल मेक मोर सेंस टू यू राइट आज के जो एज सच जो क्वेश्चन हैं वो कनेक्टेड नहीं है पिछले वाले लेक्चर से बट अगर आप पिछले लेक्चर कवर करके आएंगे तो आप यू विल बी गेट टू नो द प्रोटोकॉल हाउ वी गो अबाउट दिस लेक्चर और आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें दैट इज़ द रीजन आई एम एडवाइजिंग यू कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स देख के आइए और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए एंड वन मोर थिंग नॉट जस्ट पॉलिटी सिर्फ पॉलिटी ही नहीं जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं टॉपिक्स हैं आपके पंजाब पी सी एग्ज़ाम के रिलेटेड ईच एंड एवरी थिंग इज कवर्ड बाई अभी मन्यू आई सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं फिर चाहे वो साइंस हो राइट right? आपकी हिस्ट्री इकोनोमी राइट करंट अफेयर्स एंड ईच एंड एवरी इवन सी सेट राइट सब कुछ कवर किया जाता है यू डोंट नीड टू वरी ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू कीप फॉलोइंग अभी पीट अभी मन्यू आई एस अभी मन्यू आई को फॉलो कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राइट right? आपके सारे के सारे टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर होते चले जाएंगे यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट राइट एंड वी ऑल्सो हैव अदर ऑप्शन एज वेल हमारे पास अगर आप एक कॉम्प्रीहेंसिव ऑप्शन चाहते तो वो भी है विच आई विल भी टेलिंग यू इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो इन द एंड ऑफ द वीडियो फॉर दैट यू नीड टू वॉच द होल वीडियो राइट लास्ट में आपको एक और ऑप्शन बताऊंगा विच इज ऑल् वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू राइट ओके सो विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन लेट्स अवे स्टार्ट आवर वीडियो आवर लेक्चर ओके पहला क्वेश्चन आपके सामने है राइट right? कंसिडर द फॉलोइंग स्टमेंट यस ओके अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोटोकॉल एक बार रिवाइज करवा दूँ आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है राइट आई मीन वीडियो को पॉज करना है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है राइट right? उसके बाद आप करेंगे वीडियो को प्ले एंड यू विल चेक वेदर योर आंसर वॉज करेक्ट और इन करेक्ट इफ़ इट वॉज करेक्ट वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है इफ इट वॉज इन करेक्ट देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी गलती को वहीं के वहीं ठीक करें यू आइडेंटिफाई वैदर वॉट मिस्टेक यू डिड क्या आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करी क्या आपका टॉपिक समझने में गड़बड़ तो नहीं हुई राइट right? क्या आपने रिविजन की जरूरत है कि नहीं है ऑल दिस जो भी मिस्टेक है आपकी आपको वहीं के वहीं वो ठीक करनी है दिस इज द वे टू गो राइट अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपकी जितनी भी चीजें हैं वो अच्छे स्ट्रॉगली प्रिपेयर होती चले जाएंगी स्पेशली जहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हैं वो तो दो दोबारा आपके जो फाइनल एग्जाम वाले डे एग्जाम वाले दिन वो गलती बिल्कुल भी रिपीट नहीं होने वाली फिर राइट ओके सो दिस इज इट नाउ लेट स्टार्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा शे लैब्स ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा राइट right? पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक बिल है जो राज्यसभा में पेंडिंग है विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा लोकसभा के अंदर पास नहीं हुआ था बट एंड इट शेल लैप्स ऑन डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा बेसिकली लोकसभा के बेसिकलीजोल होने के बाद बिल लैप्स होता है कि नहीं ये उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है सेकेंड so, स्टेटमेंट कह रही है अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शेल लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेज राइट अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शेल लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेज अप्रोरोग करना क्या होता है राइट right? तो ये भी देखेंगे अभी आई विल भी टेलिंग यू वॉट डज प्रोरोगेशन मीन्स राइट वॉट डज डिजोल्यूशन मीन्स इनमें डिफरेंस जरूर आपको बताऊंगा एक ओवर यू जरूर दूंगा आपको सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज अर आर करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली वन सेकेंड ओनली टू बी सी बोथ वन एंड टू या डी ना इधर वन नॉर टू ओके बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एक बार दो टर्म्स को समझने की ट्राई करते हैं वन इज यूशन जिस पे क्वेश्चन ही है आपका कि व्हाट डज डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा मींस ओके सी वी लोकसभा इज नॉट अ सी लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस इट इज नॉट अ परमानेंट हाउस वेर एज राज्यसभा की अगर हम बात करें राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा इज वॉट इट इज अ परमानेंट हाउस राइट राज्यसभा इज वॉट इट इज अ परमानेंट हाउस तो वॉट डज इट मीन इट मीनस कि हम जैसे लोकसभा के भी इलेक्शन अभी होने भी वाले हों किस चीज के इलेक्शन है वो लोकसभा के तो इलेक्शन है तो हर पांच साल के बाद लोकसभा क्या हो जाती है खत्म हो जाती है डिजॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली अगर फ्रेश इलेक्शन ना हो तो राइट उसके लिए फ्रेश इलेक्शन करने जरूरी है ही है वो एज अ हाउस अपनी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल कोई मेंबर नहीं रहेगा उसका कुछ नहीं ठीक है पाँच साल तक की ही मेंबरशिप है दोबारा इलेक्शन हो के आपको इलेक्ट होके ही आना है राइट right? हाउस की दोबारा फॉर्मेशन होनी ही होनी इट इज़ डिजोल्वेबल ख़त्म होने के काबिल है ये मेरा राज्यसभा क्या होता है राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस इसके एज सच इलेक्शन नहीं होते बट इलेक्शन किसके होते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के राइट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट परमानेंट बट एज अ हाउस एज अ हाउस राज्यसभा इज़ परमानेंट मेंबर्स आर नॉट परमानेंट राइट तो राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं और वो भी ऑल द इनडायरेक्ट होते हैं इसलिए हमें पता नहीं लगता उनका हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वहीं इलेक्ट करते हैं आगे क्लियर है ये डिफरेंस होता है भाई साहब ये दिस इज द मीनिंग ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा राइट इन दोनों फैक्ट्स को क्लियर कर लो कि क्या चीज़ें कैसे नहीं राइट राज्यसभा के अंदर होता है ना कि आफ्टर एवरी मतलब इसकी जो टर्म होती है टेन ये नॉर्मली मेम्बर्स की कितनी होती है यहाँ पर छः साल होती है

and the third term is this is first this is second this is third prorogation okay इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कि let's say हमने एक कोर्स स्टार्ट करा right एक पर्टिकुलर कोर्स स्टार्ट करा तो जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने सारे के सारे बच्चों को बुलाया राइट right? एक जो हेड होगा इंस्टीट्यूट का किसी इंस्टीट्यूट के हेड होंगे या कोई भी एमडी डी होंगे कुछ भी तो दे विल ऑर्गेनाइज दिस होल थिंग वो सारे के सारे बच्चों कोट्ठा करेंगे एडमिशन्स वगैरह होंगे राइट एवरी विल बी डन दिस इज़ कॉल्ड कि हमने को स्टार्ट करा तो समन करा सबको इकट्ठा करा राइट उसके बाद अब हो गया प्रोसेस स्टार्ट तो वहीं जो हेड है वहीं स्टार्ट करेंगे भी हो गया स्टार्ट उसके बाद जब बैच स्टार्ट होगा उसके अंदर आएंगे टीचर्स वो बेसिकली स्पीकर की तरह आप रिलेट करते चलिए टीचर्स आएंगे स्पीकर की तरह आएंगे भले वो है डेकोरम संभाल रहे हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं सब कुछ वो पढ़ा भी रहे हैं राइट ईच एंड एवरी थिंग इज़ देयर सो उसके अंदर क्या होगा बेसिकली आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस चलेंगी तो डेली बेसिस पे क्लासिंग चलेंगी एक दिन की तो डेली बेसिस जब क्लास स्टार्ट होगी या जब क्लास को डेली एंड करना होगा राइट एंड करना होगा डेली की सिटिंग को उसको आप सिटिंग बोल सकते हैं डेली की क्लास को आप डेली की सिटिंग से रिलेट कर सकते हैं तो वो कौन करेगा वो जो क्लास का टीचर होगा वही करेगा ना यहाँ पर कौन करता है स्पीकर करता है उसको बोला जाता है एडजर्नमेंट या आप इसको कोर्ट से रिलेट कर सकते हैं आपने देखा ना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं जुडिशरी के अंदर तो कहते हैं द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे मतलब आज की सिटिंग पूरी होगी आज की सेटिंग इतनी थी आज की पूरी कल आएंगे हम कल हम इस टाइम पे इकट्ठे होंगे टाइम भी बताया जाता है बाकायदा कि कल सुबह आ जाना भैया इसी टाइम पे आना आपकी नेक्स्ट क्लास होएगी राइट तो दिस इज़ कॉल्ड एडजर्नमेंट एक सीटिंग एंड होना राइट और एडजर्नमेंट साइन एड आई क्या होता है उसके अंदर बोल दिया गया भाई आज की क्लास ख़त्म है लेकिन नेक्स्ट क्लास कब है वो डेफिनेट नहीं है वो आपको बता दिया जाएगा इंटीमेट दे दिया जाएगा बट आज की क्लास खत्म होगी इसको बोला जाता है एडजर्नमेंट साइन एड आई जब एक इनफाइनाइट मतलब एक इनडेफिनेट टाइम के लिए एडजर्न कर दिया जाए नेक्स्ट डेट नेक्स्ट सिटिंग की डेट ना बताई जाए या टाइम ना बताया जाए उसको बोला था एडजर्नमेंट साइनड आई क्लियर देन द थर्ड थिंग इज प्रोगेशन ये क्या होता है दिस इज बेसिकली जो कोर्स हमने जैसे बताया था ना स्टार्ट करा अगर कोर्स को एंड करना है पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद जब कोर्स को एंड करना होगा तब कौन आएंगे जो हेड आएंगे जिन्होंने स्टार्ट किया था वही आएंगे और वो क्या कर देंगे प्रोरो कर देंगे मतलब जैसे हमारे जो पार्लियामेंट का जो सेशन स्टार्ट हुआ जो फाइनली जो सेशन को ओवर करना है दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोरोशन और कौन करेंगे प्रेसिडेंट साहब हेड ही करते हैं हमारे यहाँ जो एग्जाम्पल में जो हेड है वो कर रहे होंगे दिस इज प्रोरोगेशन पूरे सेशन को ही एंड कर देना नेक्स्ट सेशन कब होगा वो बता दिया जाएगा बट अभी के लिए सेशन ओवर हो रहा है इसको बोला जाता है क्या प्रोरोगेशन आई बात समझ में सो दैट इज द रीजन एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन एडी कौन कर रहा होता है स्पीकर राइट स्पीकर कर रहा होता है या फिर चेयरमैन करेंगे और प्रोरोगेशन कौन करेगा प्रेसिडेंट करेगा क्लियर सो दिस इज द थिंग आई होप काफी कुछ सीखने को मिला होगा अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बिल के लैब्स होने के क्वेश्चन डिफरेंट है बट काफी कुछ बताना जरूरी था इसलिए बताया मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब लोकसभा डिजोल्व हो जाए तो उस केस में बिल के लैब्स की क्या क्या कंडीशन बनती है ओके okay. सो so देखते हैं अब बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा शेल लैब्स ऑन नो दिस इज इनकरेक्ट

ओके जस्ट सेक ओके सो अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा देखो लोकसभा के अंदर जो भी बिल पेंडिंग है वो क्या हो जाएगा लैप्स हो जाएगा अब बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा ये भी लैप्स हो जाएगा बेसिकली लोकसभा डिजोल्व होगी तो जहां जहां पे लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है ना चीज़ें लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है पहला हाउस खत्म हो गया तो पहले हाउस से अगर चीज़ें पास होकर आगे आ रही है ना तो वो लैप्स ही होता है A bill not passed by the two houses due to disagreement and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of Lok Sabha, it does not lapse, right? You do one thing, aap iske screenshot le lijiye you can take a screenshot as well और वहाँ से आप चीजों को समझ सकते हैं। But logic यहीं कहता है कि अगर Lok Sabha में उसे pass हो क्या है और Lok Sabha dissolved हुई है, तो Lok वो वाले सारे bill lapse हो जाते हैं। See, this is our question, a bill pending in the Raj Sabha but not passed by the Lok Sabha does not लैब्स हैंस ज द रीजन कि वो स्टेटमेंट क्या थी इनकरेक्ट थी राइट सो दीज आर ऑल द कंडीशन यू कैन चेक दिस आउट ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और पर्सन एक्टिंग एज सच shall not vote and vote at any sitting of either house of the parliament or joint sitting of the house in the first instance but shall have an exercise a casting vote in case of an equality of votes pehli statement aapse kya keh rahi hai कि या तो चाहे स्पीकर हो लोकसभा का या फिर काउंसिल मतलब उसका राज्यसभा के जो चेयरमैन हो दोनों के लिए पूछ रहे हैं कि नॉर्मली ये वोट नहीं करते but मतलब चाहे वो ज्वाइंट शिटिंग हो कैच भी हो नॉर्मली ये वोट नहीं करते पहली बात अगर का इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो जाए ड्रॉ हो जाए तो उस केस में ये कास्टिंग वोट डालते हैं टाइप ब्रेकर डालते हैं उस केस में वोट कर सकते हैं विच एक्ट एज अ टाइप ब्रेकर या फिर इसको कास्टिंग वोट भी कहा जाता है ओके सेकंड स्टेटमेंट अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू फिल अ सीट इन द काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउसेज ऑफ द पीपल इफ ही इज़ नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज राइट एक बंदे को लाइक मिनिमम एज कह रहा है ये किसकी आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल कि भाई राज्यसभा या फिर आपका लोकसभा दोनों के अंदर अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम पच्चीस साल की एज होनी चाहिए राइट ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट वाई बिकॉज राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है थर्टी लोकसभा के लिए ट्वेंटी फाइव चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए आपकी एज चाहिए थर्टी हाउस ऑफ पीपल के लिए ट्वेंटी फाइव सो दैट इज अ रीजन दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट येस नॉर्मली स्पीकर या फिर चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो, वो वोट नहीं करते बट कास्टिंग वोट जरूर डाल सकते हैं और टाइप ब्रेकर जब होता है सो आंसर इज ए सी आंसर इज डेफिनेटली ए राइट सो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड मेक अ नोट ऑफ यहां से क्वेश्चन आ सकता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ चुकी मैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सिंस द सम्स इक्वायर टू मीट द एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट नो हाउस इज कम्पिटेंट टू डिस्कस दिस एस्टिमेट्स ओके राइट यह क्या कह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जैसे हमें पता है कि जो आपका कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ इंडिया है ना सी एफ आई इसके अंदर फंड्स काफी सारे क्या होते हैं सीएफआई से दो टाइप के चार्जेस होते हैं मेड मेड राइट राइट चार्ज मतलब एक ऐसे हैं जिस जिसपे वोट हो सकता है और एक पे जिसपे वोट नहीं हो सकता राइट right? सी यहाँ पर लिखा हुआ ना चार्ज अपॉन तो चार्ज अपॉन वो वाले होते हैं जिसके अंदर आप क्या है कि आपके जो वोटिंग है वो नहीं हो सकती मतलब वो पास करने ज़रूरी होते हैं मैंडेटरी होते हैं तो क्या उन पर डिस्कशन भी करना अलाउड नहीं है राइट क्वेश्चन स्टेटमेंट आपसे यही पूछ रहा है कि क्या इन वाले चार्जेस के ऊपर सी से जो चार्जेस हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सी ए की जो सैलरी होती है राइट right? वो भी इसी के ऊपर होती है जडिशरी इसकी जजेस की, की सैलरी होती है वो भी चार्ज अपोन होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सी के ऊपर सो so, इस टाइप के जो एक्सपेंसिज हैं क्या इन पर डिस्कशन भी अलाउड नहीं है क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है स्टेटमेंट क्या कह रही है एनुअल फाइनेंशियल बिल एनुअल सॉरी फाइनेंशियल नहीं एनुअल फाइनेंस बिल प्रोवाइड्स द लीगल अथॉरिटी राइट प्रोवाइड्स द लीगल अथॉरिटी जस्ट सेक ओके सो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है एनुअल फाइनेंस बिल प्रोवाइड्स फॉर द लीगल अथॉरिटी फॉर द विड्रोवल ऑफ सम्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सी एनुअल फाइनेंस बिल और एक अप्रोप्रिएशन एक बिल there are two bills one is the finance bill other is the appropriation bill right ye jo dono ke dono bill hai aapke aapke jo budget hai apna दोनों के अंदर pass होने mandatory हैं अगर ये दोनों pass होते हैं तभी आपका budget pass माना जाता है first of all, right. और दोनों के दोनों क्या है? के हैं मनी बिल के टाइप्स हैं बोथ ऑफ देम आर टाइप्स ऑफ मनी बिल इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं राइट सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर ऑल राइट सो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट वाई बिकॉज नो डाउट वोट नहीं कर सकते बट डिस्कशन अलाउड होता है डिस्कशन डेफिनेटली किया जा सकता है कि सही है कि नहीं है वोट नहीं किया जा सकता राइट सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है एनुअल फाइनेंस बिल प्रोवाइड्स फॉर द लीगल अथॉरिटी फॉर द विड्रॉल ऑफ सम दिस इज़ इनकरेक्ट करेक्ट वाई बिकॉज ये फाइनेंस बिल की बात नहीं कर रहा है ये अप्रोप्रिएशन बिल की बात कर रहा है अप्रोप्रिएशन बिल का क्या काम होता है अप्रोप्रिएशन बिल का, का काम होता है कि आपको जो है ट्रेजरी वहाँ से अप्रोप्रिएट करने का अलाउ करना भाई बिल अपने जो पैसे हैं वो निकाल सको आप उसको अप्रोप्रिएशन बोला जाता है फाइनेंस बिल का क्या का काम होता है ये टैक्स के प्रपोजल्स बताते हैं फाइनेंस बिल का काम होता है टैक्स के प्रपोजल्स बताना कि कितना टैक्स लेना है कितना नहीं ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन द फाइनेंस बिल सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी नीदर वन नॉर टू बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट राइट सो आंसर इज डी ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस फॉर रिमूविंग डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट दो हाउस के बीच में क्या हो जाए डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाए राइट डेडलॉक के की आ जाए और ये डेडलॉक कब कब आ सकता है क्वेश्चन आपसे बेसिकली वैसे उसी कंडीशन पूछ रहा है बट लेट्स रीड अबाउट इट आफ्टर अ बिल हैज बिन पास बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस द प्रेसिडेंट मे नोटिफाई टू द हाउस हिज इज इज इंटेंशन टू समन देम फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग राइट डेडलॉक आता है तो क्या होता है बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाया जाता है ज्वाइंट सिटिंग के लिए कब बुला सकते हैं स्टेटमेंट्स आपसे ये पूछ रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स फर्स्ट The bill is rejected by the other house. Second, the house have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill. Third, more than three months. Right. More than three months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it. Okay. Statements 1, 2, and 3, 1 and 2, 2 and 3 are 1 and 3 only. Alright. So let's see. First statement correct. Yes. डेड लॉक कब हो सकता है कि भाई पहले हाउस ने पास कर दिया और सेकेंड हाउस ने उसको कर दिया ऑल टुगेदर रिजेक्ट ठीक है इसमें क्या होगा या तो फर्स्ट हाउस भी मान जाए भी ठीक है रिजेक्ट तो रिजेक्ट लेकिन अगर फर्स्ट हाउस वॉन्ट टू स्टिल पास इट तो ये क्या है बेसिकली डेड लॉक वाली सिचुएशन आ गई घसमा क्या बोलते हैं उसको हिंदी वर्ड नहीं दिमाग में आ रहा बट आई होप यू गेट द आइडिया सेकेंड द हाउस हैव फाइनली डिसग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल अगर फर्स्ट हाउस ने कुछ अमेंडमेंट प्रपोजल सॉरी सेकेंड हाउस ने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करी कि भी आप अपने इस बिल में कुछ अमेंडमेंट करिए बट फर्स्ट हाउस नहीं मान रहा तो उस में भी है तो दिस इज़ करेक्ट। ले कुछ कर ही नहीं पड़ा है वो बिल तो उसको भी क्या बोलोगे डेड कंडीशन बोलोगे तो दिस इज इन करेक्ट स्टेटमेंट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज वन एंड टू ओनली राइट सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन

थर्ड टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यूज बाई प्रोवाइडिंग एन अश्योर एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यूज फोर्थ टू एनेबल द रेलवेज टू कीप देर प्रॉफिट फ्राम देयर फॉर देर ओन डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नाइनटीन ट्वेंटी वन के बाद से बेसिकली इंडिया के अंदर स्पेशली क्या था रेलवे का बजट आपके जनरल बजट के साथ ही आता था इकट्ठा एक, एक, एक साथ ही सॉरी एक अलग से आपका रेलवे बजट भी प्रपोज किया जाता था राइट right? एक आपका जनरल बजट के साथ एक अलग से रेलवे बजट आता था तो अब लेकिन ऐसा क्या कर दिया अब ऐसा कुछ नहीं है अब इकट्ठा ही है राइट ओके सो तो जस्टस सेक ओके सो तो अब इकट्ठा ही है मर्ज कर दिया गया 2016 के बाद आफ्टर 2016 द रेलवे बजट हैज बिन मर्च विद द जनरल बजट राइट रेलवे बजट अब जनरल बजट के साथ ही आता अलग से जनरल रेलवे बजट जैसा कुछ नहीं आता तभी हम सुनते भी नहीं पहले लेकिन रेलवे बजट अलग से पढ़ना ही पड़ता था राइट सो दिस इज द थिंग क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सेपरेट बजट के रीजंस क्या दिए थे इनिशियली जब सेपरेट होता था राइट सेपरेट बजट देने के रीजंस क्या थे तो माइंड यू आई कैन टेल यू वन थिंग कि इसका एज सच फाइनेंसिस से कुछ खास लेना देना नहीं था अगर आपको समझ नहीं है चीज़ इसका फाइनेंसिस से कुछ खास लेना देना नहीं था इट वॉज मोर अबाउट द रेलवे पॉलिसी द पॉलिसीज़ टू एनहेंस द रेलवे सेक्टर एज अ होल ये सारा कुछ उससे रिलेटेड था राइट right?

for the overall development of effective development of the railway sector so correct answer kya hoga iska the correct answer is option d that is 1 and 2 only right so this was it let's move on to the next question okay next question is about an exceptional grant an exceptional grant under the consolidated fund of india is regarded as what right this is the last question also by the way for this today's lecture right okay एक्सेप्शनल ग्रांट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज रिगार्डिड एज अब बात करें हम इन ग्रांट्स की राइट right? तो बजट के अंदर का बजट बेसिकली प्रोसीजर क्या है बजट के अंदर क्या होगा डिमांड ऑफ ग्रांट्स रखती हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज़ वो अपनी मिल के डिमांड ऑफ ग्रांट्स पूरे साल इकट्ठी करती हैं कितना उनको पैसा चाहिए अपने आगे वाले स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो वो सारी के सारी डिमांड ऑफ ग्रांट्स इकट्ठी करके फाइनली एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेज दी जाती हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ़ देम प्रेजेंट दोज डिमांड ऑफ ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ अपना फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल फाइनेंस बिल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उनके सामने कि भैया ये हमारी डिमांड ऑफ ग्रांट्स है काइंडली इनको अप्रूव कर दिया जाए हमें पैसे निकालने की परमिशन दे दी जाए अपनी ट्रेजरी से सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट राइट सो दिस इज़ द थिंग दिस इज वे इट द थिंग्स कीप ऑन वर्किंग इसको बोला था डिमांड ऑफ ग्रांट्स बट एट द सेम टाइम देर आर वेरियस अदर टाइप्स ऑफ ग्रांट्स एज वेल बिकॉज पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये एक एस्टिट लगाया जाता है कि भाई हमें जब डिमांड ऑफ ग्रांट्स हमें इतना पैसा चाहिए होगा बट एग्जैक्टली exactly तो नहीं पता होता तो ऊपर तो नीचे चीज़ें चलती हैं जरूरत ज़्यादा भी पड़ सकती है तो देर आर अलॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रांट्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम डिमांड ऑफ ग्रांट्स विच आर लाइक एक्सेप्शनल ग्रांट सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड ऑल दैट राइट सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे एक्सेप्शनल ग्रांट के बारे में ओके नाव लेट सी द ऑप्शन an advance on account of estimated expenditure for a part of any financial year pending completion of procedure for voting of grant okay a grant for meeting an unexpected demand on account of indefinite character of the service which cannot be stated with details okay a grant forming no part of current service of any financial year okay a grant made when a need has arisen during the current financial year for the additional expenditure upon some new service all right सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी अ ग्रांट फॉर्मिंग नो पार्ट ऑफ द करेंट सर्विस ऑफ any फाइनेंशियल ईयर ये किसी का कोई ऐसा पार्ट नहीं होता एक्सेप्शनल ग्रांट तभी आई ये. ये कहीं पर काउंट ही नहीं होगा बस यूज कर सकते हो आपको आप जरूरत नहीं है गिनवाने की कितना पैसा यूज़ किया दैट इज अ रीजन इसके आ एक्सेप्शन लगा हुआ है ये इस वे में एक्सेप्शन है राइट सो लेटेस सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑल राइट सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ आवर टूडेज वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है आपको वीडियो से क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी चीज से रेलेटेड आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपकी प्रिपरेशन पंजाब पी एग्ज़ाम की जिसको इजी करने के लिए अभी मन्यू आई ने एक ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट कर रखा है फुल लेंथ कोर्स है फुल लेंथ कोर्स स्टार्ट कर रखा है हमने जहाँ पर सब कुछ डिस्कस हो रखा है सारे टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं प्री कम मैन में, के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे बच्चे इस फैसिलिटी की अवेलेबल इस फैसिलिटी का यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट आप भी अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए इसका यूज डेफिनेटली कर सकते हैं एक कॉम्प्रहेंसिव वे में प्रिपरेशन चाहते हैं ऑफलाइन बैच है ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में है विच एवर वे यू आर कम्फर्टेबल यू कैन गो फॉर इट नीचे सपोर्ट नंबर प्रोवाइडेड है उस पर कॉल करके आप इस कोर्स की क्वेरी ले सकते हैं राइट फीस एंड ऑल एवरी थिंग यू कैन आस्क अस डोंट वरी अबाउट इट फ्रीली पूछिए जो मर्जी पूछिए जैसे आपको सही लगे आपका एग्जाम है आपकी लाइफ है आपकी चॉइस है कि आप एक अच्छी ऑप्शन चाहते हैं एक अच्छी कोर्स चाहते हैं जहाँ पर ढंग से प्रिपरेशन हो सके इफेक्टिव प्रिपरेशन हो सके बिकॉज एग्जाम डेफिनेटली बहुत ही जल्दी होने वाला है अगर आप उस उसी टेंशन में भी फंसे हुए तो राइट सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर ए फ्यूचर एंडर्स एंड आई अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू